शाउट आउट टू व्हाइट डेविल। इस वीडियो में मैंने दो सवाल पूछे हैं। सही जवाब देने वाले पहले पांच लोगों को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। मिस्टर किम अपनी वाइफ और दो बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहते हैं। उनकी फैमिली बहुत गरीब है कि उनके पास डेली की गुजर बसर करने के भी पैसे नहीं हैं। काफ़ी दिनों से उन लोगों ने पेट भर के खाना भी नहीं खाया होता है और उनके घर में सिर्फ बाथरूम में ही नेटवर्क आते हैं और जगह नेटवर्क भी नहीं आते हैं। ऐसे में उनको पिज्ज़ा बॉक्सेस बनाने का एक ऑर्डर मिलता है जिसको वो समय पर पूरा तो कर देते हैं, पर उनमें से कुछ बॉक्सेस गड़बड़ होते हैं, इस वजह से उन्हें थोड़े कम पैसे मिलते हैं। काफ़ी दिनों बाद उनकी फैमिली भर पेट खाना खा रही होती है। ऐसे में मिन से मिलने उसका दोस्त आता है। वो अपने साथ एक गिफ्ट लेके आता है जो कि एक एंटीक रॉक होता है। वो उसको मिन को देता है और उसे लेकर के बाहर जाता है। मिन से जाकर के वो कहता है, मैं एक लड़की को इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाया करता था, पर मैं अब विदेश जा रहा हूँ, इस वजह से मैं उसको पढ़ा नहीं पाऊंगा। मुझे वो लड़की पसंद है और मुझे ये बात भी पता है कि वो यूनिवर्सिटी के लफंगों को रिकमेंड करेंगे जो कि तुमसे अच्छी इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि तुम अब उस लड़की को इंग्लिश पढ़ाओ, मैं तुम्हारी रिकमेंडेशन भी दे दूंगा। मिन उससे कहता है, तुमको पता है कि मेरे पास यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट नहीं है, इस वजह से मैं उनको नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसके बाद वो अपनी बहन जेसिका के पास जाता है जो कि एक बहुत अच्छा सा सर्टिफिकेट बना करके उसको देती है जो पूरी तरीके से ओरिजिनल लगता है। मिस्टर किम उस सर्टिफिकेट को देख करके कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है कि मैं गरीब हूँ, वरना मेरे इतने टैलेंटेड बच्चे आज कुछ और ही कर रहे होते हैं। ऐसे में मिन उससे कहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक समय आएगा जब मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा और आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा। अपने दोस्त की रिकमेंडेशन के बाद वो मिस्टर एंड मिसेस पार्क के यहाँ जाता है, जहाँ पे उसके पहले दिन की क्लास में मिसेस पार्क भी उसके साथ बैठती हैं। उसके इंग्लिश पढ़ाने के तरीके के बाद मिसेस पार्क उसको थोड़ा पैसे बढ़ा करके देती हैं और उससे कहती हैं, मुझे आपका तरीका पसंद आया। मिन जब बाहर जा रहा होता है, ऐसे में मिसेस पार्क अपना छोटा बेटा उसे दिखाती हैं जो कि आर्ट में एक्सपर्ट होता है। वो उसकी ड्राइंग देख करके कहता है, इसके अंदर तो टैलेंट है, आपको इसके लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए। मिसेस पार्क कहती हैं, मैं ढूंढ तो रही हूँ पर अभी तक मुझे कोई नहीं मिला। मिन को याद आता है कि उसकी बहन जेसिका आर्ट में बहुत बड़ी एक्सपर्ट है, लेकिन अगर वो ये बताएगा कि वो उसकी बहन है तो शायद वो उसको रिकमेंड ना करें। इस वजह से वो ये बोलता है कि मैं एक लड़की को तो जानता हूँ जो कि आर्ट में बहुत एक्सपर्ट है, पर उसकी बहुत डिमांड है, इस वजह से उसका मिलना थोड़ा मुश्किल है। मिसेस पार्क उससे कहती हैं, मैं थोड़े ज़्यादा पैसे दूंगी पर प्लीज़ उसको ले आइएगा। वो अगले दिन जेसिका को लेकर के पहुँचता है जो कि उस बच्चे के साथ क्लास लेने के लिए निकल जाती है, लेकिन वो बाकियों से ये भी बोलती है कि आपको मेरे साथ रूम में आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में मिसेस पार्क अपनी मेड को बार बार जूस लेकर के भेजती हैं कि तुम जा करके देखो कि वो बच्चे को कैसे पढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर उनकी बड़ी बेटी मिन के साथ पढ़ रही होती है, जहां वो मिन से कहती है कि क्या जेसिका आपकी गर्लफ्रेंड है। मिन हंसते हुए उससे कहता है, नहीं वो बस मेरी दोस्त है। ऐसे में हमें यह भी पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी प्यार करने लगी है मिन को और वो उसे किस कर देती है। जेसिका का पढ़ाने का तरीका काफ़ी पसंद आता है मिसेस पार्क को और वो उसको भी पैसे बढ़ा करके देती हैं। वो अपने ड्राइवर से कहती हैं कि जेसिका को सही सलामत उस जगह पर छोड़ के आओ जहाँ तक वो जाना चाहे। जेसिका उसके साथ जाती है, जहाँ उतरने से पहले वो गाड़ी की बैक सीट में अपनी पैंटी छोड़ करके निकल जाती है। मिस्टर पार्क जब घर आते हैं तो मिसेस पार्क को वो पैंटी दिखाते हुए बोलते हैं कि देखो हमारा ड्राइवर कितना बदतमीज हो चुका है, वो बैक सीट में लड़कियाँ लेकर के आता है और उनके साथ गंदी गंदी हरकतें करता है। वो उस ड्राइवर को जॉब से निकाल देते हैं इस डर से कि कहीं वो उन सब लड़कियों को ड्रग तो नहीं देता है और उनका नाम कहीं से फंस ना जाए। अब उनको एक ड्राइवर की जरूरत होती है। ऐसे में जेसिका अपने फादर यानी कि मिस्टर किम का नाम देती है मिसेस पार्क को। वो उनसे ये कहती है कि मैं एक अंकल को जानती हूँ जो कि ड्राइविंग में एक्सपर्ट है, अगर आप चाहें तो आप उनका टेस्ट ले सकते हैं। मिस्टर किम मिस्टर पार्क के साथ ऑफिस तक जाते हैं, जहाँ मिस्टर पार्क उनकी ड्राइविंग स्किल्स को देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं कि कैसे एक बूढ़ा आदमी इतनी अच्छी गाड़ी चला सकता है, और वो उनको भी जॉब पर रख लेते हैं। अब फैमिली के तीन मेंबर आ चुके होते हैं। अब ऐसे में वो प्लान बना रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से वो जेसिका की मदर को भी एज अ मेड वहाँ पे ले आए, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ा कांटा होती है वो मेड। मिन बताता है मिस्टर किम को कि उस मेड को पीचेस से एलर्जी है, हमें उसको हटाना होगा ताकि हम मॉम को वहाँ पे ला सकें। वो पीचेस का पाउडर जा करके डाल देता है उस मेड के ऊपर और उस मेड को छींक आने लगती है। वो एनुअल चेकअप कराने के लिए जाती है, जहाँ पे उसके साथ मिस्टर किम भी गए होते हैं। मिस्टर किम उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं और वो फ़ोटो दिखाते हैं मिसेस पार्क को और उससे कहते हैं कि आपकी मेड को टीबी है, वहाँ पर वो ये बात कह रही थी, और अगर टीबी का मरीज़ घर पर रहेगा तो आपके बच्चों को भी ये बीमारी हो सकती है। मिसेस पार्क उनकी बात भरोसा नहीं करती और ये कहती हैं कि मैंने जब ये घर लिया था उससे पहले से वो मेड उस घर में काम कर रही है, हमारे से पहले वाले ओनर भी उसके ऊपर काफ़ी भरोसा किया करते थे, अगर ऐसी कोई बीमारी होती तो वो अब तक हम लोग को ज़रूर बता देती। वो अपने घर पहुंचने वाली होती है, इससे पहले मिस्टर किम जेसिका को मैसेज कर देते हैं और वो जा करके पीचेस का पाउडर डाल देती है मेड के ऊपर। मेड को छींक आती है और वो मिसेस पार्क के सामने एक नैपकिन डालती है डस्टबिन में, उसको उठाने के लिए भागते हैं मिस्टर किम और उसमें सॉस डाल देते हैं
और वो नैपकिन दिखाते हुए बोलते हैं कि देखिए इसकी नाक से तो खून भी आ रहा है। अब मिसेस पार्क घबरा जाती हैं कि उनके घर में एक ऐसी औरत घूम रही है जिसको टीबी है। उनके बच्चों को कहीं टीबी ना हो जाए, मजबूरन उन्हें मेड को जॉब से निकालना पड़ता है। तो अब आता है आपका पहला सवाल, मिस्टर किम मेड की किस बीमारी के बारे में बताते हैं मिसेस पार्क को? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। मिस्टर पार्क काफी टेंशन में आ जाते हैं कि उन्हें अब एक नई मेड ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे में मिस्टर किम उनको एक कार्ड देते हैं और उनसे कहते हैं कि इस कंपनी पे आप फोन करिएगा, ये आपको एक नई मेड हायर करने में हेल्प करेगी। वो उस कार्ड में दिए हुए नंबर पर फोन करते हैं जहाँ जैसिका आवाज बदल के उनसे बात करती है और उनको अपनी मदर की रिकमेंडेशन दे देती है। अब मिस्टर किम की फैमिली के चारों लोग मिस्टर एंड मिसेस पार्क के यहाँ काम करते हैं। वो लोग रात को खाना खाते समय मिस्टर एंड मिसेस पार्क का धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से उनके घर में चूल्हा जल पा रहा है। ऐसे में एक दिन मिस्टर एंड मिसेस पार्क घर से चले जाते हैं ये बोलते हुए कि वो 2 से 3 दिन के लिए कैंपिंग करने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ और तब तक के लिए जैसिका की माँ को घर का ख्याल रखना पड़ेगा। उनके जाने के बाद वो अपने बच्चे और पति को घर पर बुला लेती है और वो सब वहाँ आकर के शराब पीते हैं और खूब सारा एंजॉय करते हैं। तभी मीन अपनी फैमिली को बता देता है कि उसको मिसेस पार्क की बेटी पसंद है और शायद वो भी उसको प्यार करती है। अब फैमिली खुश होकर के और शराब पीने लगती है। घर के बाहर बारिश हो रही होती है, ऐसे में घर की पुरानी मेड आ जाती है गेट खटखटाने। उसको देखते ही जैसिका मिन और मिस्टर किम छुप जाते हैं और उनकी मदर जाके बात करती है मेड से। मेड उनसे कहती है कि मुझे बस घर में थोड़ी देर के लिए काम है, क्या तुम मुझे अंदर आने दे सकती हो? वो उसको घर के अंदर आने देती है और वो किचन के पास जा करके अलमारी खिसकाने की कोशिश करने लगती है। ऐसे में जैसिका की मदर भी उनकी हेल्प करती है और वो अलमारी जब खसका देती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक दरवाज़ा है। पुरानी मेड उनको बताती है कि इस घर के नीचे एक तहखाना है जिसके बारे में मिस्टर एंड मिसेस पार्क को नहीं पता है। मुझे ये सब इस वजह से पता है क्योंकि मैं उनके घर खरीदने से पहले से इस घर में काम कर रही थी। मैंने यहाँ पे अपने एक खास इंसान को छुपा के रखा है। जब वो नीचे जाती है वो देखती है कि मेड का हस्बैंड वहीं पे छुपा हुआ है और वो कर्जों की वजह से बाहरी दुनिया में नहीं घूम सकता है। इस वजह से उसने वहाँ पे उसको छुपा के रखा है। वो उसको खाने के लिए खाना देती है। ये देखने के बाद जैसिका की मदर कहती है मैं पुलिस को बुलाने वाली हूँ। मेड उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है और उसको पैसे देने लगती है कहते हुए कि एक बेसहारा की मदद करो। लेकिन जैसिका की मदर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इन लोगों ने तो मिस्टर एंड मिसेस पार्क को धोखा दिया है। ऐसे में वहाँ पे पीछे खड़े किम जैसिका और उनके फादर नीचे गिर जाते हैं और उनको देख करके मेड ये जान जाती है कि ये पूरी की पूरी फैमिली है जो कि स्कैम करके यहाँ पे काम कर रही है। वो उन लोगों की वीडियो बनाने लगती है जहाँ पे अब वो उन लोगों को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि मैं तुम सबको फंसा दूंगी और पुलिस को बुला करके स्कैम का केस लगवाऊंगी। मिस्टर किम और उसकी पूरी फैमिली की वीडियो बनाते हुए मेड कहती है अब तुम सब लोग फंसने वाले हो। मौका पाते ही मिस्टर किम अपनी फैमिली के साथ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और उनसे कैमरा छीन लेता है और इसके बाद उन दोनों को नीचे जा करके बंद कर देता है बेसमेंट में। ऐसे में मिसेस पार्क का फोन आता है जैसिका की मदर के पास और वो उनसे कहती है कि बारिश की वजह से हम कैंपिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप नूडल्स बना करके रखें, हम घर की ओर आ रहे हैं। अब घबराहट के मारे सब लोग लग जाते हैं घर को ठीक करने में और जैसिका की मदर लग जाती है नूडल्स बनाने में। मिस्टर किम उन सबको बंद करके पीछे छुप जाते हैं जहां पर मिस्टर एंड मिसेस पार्क अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं। जैसिका की मदर नूडल्स बना करके उनके सामने रखती हैं और मिसेस पार्क नूडल्स को खाने लगती हैं। ऐसे में पुरानी मेड उनके सामने लगभग आई गई होती है कि तभी जैसिका की मदर लात मार के उसको नीचे धक्का दे देती हैं और सर में चोट लगने की वजह से मेड के सर से खून निकलने लगता है। तो अब आता आपका दूसरा सवाल, मिन की छोटी बहन का क्या नाम था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। उन लोगों को बंद करने के बाद मिस्टर किम अपनी फैमिली के साथ वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे मिस्टर एंड मिसेस पार्क का छोटा बेटा आ जाता है। उसको देख करके आंगन में बनी टेबल के नीचे वो तीनों छुप जाते हैं और वो लड़का बाहर जा करके कैंप डाल करके बारिश में ही रुक जाता है। अपने मदर फादर से वो कहता है कि मैं यहीं पर रात भर रुकूंगा। मिस्टर एंड मिसेस पार्क सामने के सोफे में लेट जाते हैं और वहीं बात करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ से अजीब सी स्मेल आ रही है। मिसेस पार्क कहती है कैसी स्मेल आ रही है? मिस्टर पार्क बताते हैं जब मिस्टर किम गाड़ी चलाते हैं तो उनसे ऐसी स्मेल आती है, बिल्कुल वैसी स्मेल आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं बेसमेंट में पुराने से कपड़े पड़े हुए हैं और उनको यहाँ पे किसी ने ला करके बिछा दिया है। मिस्टर किम अपनी महक को सूंघते हैं, उनको भी वैसी महक आती है। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उनकी गरीबी का यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है और जिन लोगों को वो महान समझते थे असल में वो उनको अपना नौकर ही समझते हैं और उन्हें अपना काम आसान करवाना है, इस वजह से ही वो उनसे काम लेते हैं। मिस्टर किम अपने बच्चों के साथ वहीं पर नीचे लेटे रहते हैं जहां ऊपर मिस्टर एंड मिसेस पार्क रोमांस करने लगते हैं। रोमांस करते करते वो दोनों सो जाते हैं। मौका देख करके मिस्टर किम अपने बच्चों के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग जाते हैं जहां पर बारिश की वजह से उनके घर में पानी भर गया होता है और अब वो लोग परेशान हो जाते हैं कि यहां पर लोग कैसे रात बिताएंगे। मिस्टर किम को एहसास होता है कि वहीं मिस्टर एंड मिसेस पार्क को अच्छी ज़िंदगी मिल रही है और उनको अपनी फैमिली के साथ ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। रात को वो लोग रेस्क्यू जोन में जाकर के लेट जाते हैं जहां सुबह होते ही वो लोग भागते
आते हैं दोबारा काम के लिए। ऐसे में फोन आता है मिस्टर एंड मिसेस पार्क का, जो कि उनसे कहते हैं कि आपको आज घर जल्दी आना होगा, हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे क्योंकि आज हम डेओ का बर्थडे यहीं पे मनाने वाले हैं। मिस्टर किम जाते हैं मिसेस पार्क के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए, जहां पे कार के पीछे बैठी मिसेस पार्क को बार बार मिस्टर किम से स्मेल आ रही होती है, इस वजह से वो अपनी नाक को बंद करने लगती है। मिस्टर किम ये सब नोटिस करते हैं लेकिन वो उनसे कुछ कहते नहीं है। वहीं दूसरी ओर किम और जेसिका लग जाते हैं मिस्टर पार्क के यहाँ सेटिंग करने में। हमें देखने को मिलता है कि नीचे मेड का हस्बैंड अपने हाथ खोल लेता है और वो मेड के पास जाता है तो वो देखता है कि मेड मर चुकी है। अब उसको बहुत गुस्सा आता है कि उसकी बीवी मर चुकी है और उसकी मौत हुई है उन चारों की वजह से। किम मिसेस पार्क के साथ पहुंच जाते हैं उनके घर में और वो चारों तरफ सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में मेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऊपर इंजॉय कर रहा होता है और उसके हाथ में वो रॉक होता है जो कि उसके फ्रेंड ने उसे दिया होता है। उसको ये बात की टेंशन होती है कि नीचे मेड और उसका हस्बैंड ठीक है या नहीं। वो नीचे ही चेक करने जाता है, जैसे वो गेट खोलता है उसके ऊपर अटैक कर देता है मेड का हस्बैंड। अब घबराया हुआ मिन वहां से भागने लगता है और उसके पीछे वो आदमी पड़ जाता है। वो उस रॉक को उठा करके मिन के सर पे मार देता है और मिन के सर से खून बहने लगता है। इसके बाद वो दोबारा मिन के सर पे रॉक मारता है ताकि उसकी मौत हो जाए। बाहर सब लोग बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और केक को काटा जा रहा होता है। ऐसे में वो आदमी अपने हाथ में चाकू लेके घुसता है और सबके ऊपर अटैक करने लगता है। सब लोग वहां से हड़बड़ी में भागने लगते हैं। वो आदमी जा करके जेसिका के सीने में चाकू घुसेड़ देता है और जेसिका वहीं पे गिर जाती है। अब जेसिका की मदर उस आदमी से लड़ने लगती है, जहां पे मिस्टर किम देखते हैं कि उनकी बेटी के शरीर से खून बह रहा है और वो वहीं पे बैठ के रोने लगते हैं। ऐसे में मिस्टर पार्क का छोटा बेटा बेहोश हो जाता है और मिस्टर पार्क मिस्टर किम से चाबी मांगते हुए कहते हैं कि जल्दी से मुझे चाबी दो, मुझे अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाना है। मिस्टर किम को काफी बुरा लगता है कि उनकी बेटी यहाँ घायल पड़ी है और उन्हें उसकी चिंता नहीं है, बजाय अपने उस बेटे के जो कि बस बेहोश हुआ है और उसको कुछ हुआ नहीं है। वही मौका पा करके जेसिका की मदर मार देती है मेड के हस्बैंड को और वो जा करके खड़ी हो जाती है अपनी बेटी के पास। मिस्टर किम गुस्सा करके खड़े होते हैं और वो मिस्टर पार्क के सीने में चाकू घुसेड़ देते हैं। मिस्टर पार्क की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद मिस्टर किम वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर जाने से पहले वो देखते हैं कि मिस्टर पार्क की बेटी मिन को लेकर के हॉस्पिटल की ओर जा चुकी है, जो कि पूरी तरीके से घायल है। वो वहां से जाकर के कहीं छुप जाते हैं। इसके बाद हादसे के बाद महीने बीत जाते हैं। मिन की आंख खुलती है, वो एक हॉस्पिटल में होता है। उसके सामने एक पुलिस वाला खड़ा होता है और वो उससे उसके फादर के बारे में पूछ रहा होता है, जहाँ पे मिन को पता चलता है कि उसकी बहन जेसिका की अब मौत हो चुकी है। वो काफी दुखी होता है। अपनी मदर के साथ वो घर पहुंचता है, जहाँ पे अब उसके साथ ना उसकी बहन है और ना उसके फादर है, क्योंकि वो रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। मिन जब भी बाहर घूमने जाता तो उसको ये एहसास होता है कि उसके पीछे या तो कोई जासूस लगा है या फिर कोई पुलिस वाला लगा है ये पहचानने के लिए कि उसके फादर असल में छुपे क्या हुए हैं। वो उस घर के पास जाता है जहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस पार्क रहते थे। अब उसके पीछे जासूस भी लगना बंद हो चुके हैं क्योंकि उस हादसे को साल भर बीत चुका है। उसको वहाँ जा करके पता चलता है कि एक जर्मन कपल ने मिस्टर एंड मिसेस पार्क से वो घर खरीद लिया है और वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। इस बीच वो ये भी देखता है कि नीचे के बेसमेंट की लाइट बार बार जल बुझ रही है और ये एक स्काउट गाइड का मैसेज होता है। असल में मिन ने स्काउट की लैंग्वेज सीखी हुई होती है। वो उस मैसेज को घर में जा करके डिकोड करता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो उसके फादर हैं और वो उससे बताते हैं कि मैंने जब उस आदमी का खून कर दिया तो मुझे पछतावा हुआ। आगे जा करके मैं जान गया कि मैं फंसने वाला हूँ, तो मैं बेसमेंट में जा करके छुप गया। यहाँ पे ये लोग आ चुके हैं और इनको ये नहीं पता है कि इस घर में भी एक बेसमेंट है। मैं मौका पा करके रात में निकलता हूँ और फ्रिज से खाना लेकर के अपना गुजर बसर कैसे तैसे कर रहा हूँ। अब मिन ये फैसला कर लेता है कि वो आगे जा करके एक बड़ा आदमी बनेगा और उस घर को खरीद लेगा। हमें दिखाया जाता है कि मिन आगे जा करके एक बड़ा आदमी बन जाता है और उस घर को खरीद लेता है, जिसके बाद बेसमेंट से उसके फादर निकलते हैं और उससे गले मिल जाते हैं करके। लेकिन ये सब मिन अभी बस सोच रहा होता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।